हैदराबाद की कंपनी के नाम से बने डिमांड ड्राफ्ट का नकली डीडी बनाकर रायपुर में ठगों ने 4,95,00,000 रुपए निकालने की कोशिश की। बैंक वालों को नकली डीडी से रकम निकालने की भनक लगी तो उन्होंने 4,65,00,000 को होल्ड करवाया। इसके बाद भी ठग 29,00,000 से ज्यादा रकम निकाल ले गए। बैंक मैनेजर की शिकायत पर मौधापारा थाना पुलिस ने तीनों लोगों को धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया और फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर के एमजी रोड स्थित इंडसइंड बैंक की शाखा का है। इंडसइंड बैंक में आकाश नाई का श्याम टीडस के नाम से करंट बैंक खाता है। 27 फरवरी को आकाश और उसके दो साथियों ने हैदराबाद की आरआर इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट की ओर से जारी 4,95,00,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक में लगाया। डीडी कैश होने के बाद पूरी रकम आकाश के खाते में चली गई। दूसरी ओर 28 फरवरी को हैदराबाद में उसी डीडी को कंपनी का अकाउंटेंट कैंसिल कराने पहुंचा। डीडी को देखने के बाद उसने इंडसइंड बैंक के अधिकारियों ने कहा कि ये डीडी रायपुर में कैश हो गया है। कंपनी वालों ने बताया है कि असली डीडी उनके पास और रायपुर में जो लगाया गया है वो नकली है। इसके बाद बैंक वालों ने तत्काल आकाश के बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया। उसमें 4,65,00,000 होल्ड करवाए गए, बाकी 29,57,000 रुपए खर्च हो चुके थे। इसके बाद मौधापारा थाने में इंडसइंड बैंक मैनेजर मुन्ना सिंह ने आकाश नाई और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचना का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडसइंड बैंक के मैनेजर ने थाना मौधापारा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बैंक पे फर्जी डीडी प्रस्तुत करके अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है बैंक के साथ ठगी करने का प्रयास किया गया है। इस पर थाना मौधापारा में जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और उसमें आरोपी की जो है पता तलाश की जाए। पूरे मामले में नकली डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की ठगी की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आखिर बैंक के अधिकारी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। बहरहाल पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की नहीं कर पाई है, सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना से कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक सुलझ नहीं पाए। क्या किसी बैंक के अधिकारी की भी इस मामले में संलिप्तता थी, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। देखना होगा पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक कर पाती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर।